Hello everyone. In this video, we are going to discuss the current affairs for November week 3rd. And November week 3rd का मतलब हो गया, मैंने इसमें dates cover करी हैं 11th of November to 18th of November. इसके अंदर total 25 questions लिए हैं. This is the part 1 of the November week 3rd. And in all, I'm going to discuss 50 questions in total. Now let's begin with the first question. First question is, SIMBEX is the maritime bilateral exercise between India and... So this is the bilateral exercise between India and which country? कौन सी दो countries ये SIMBEX करके maritime bilateral exercise conduct करती है? So Singapore and India are conducting this bilateral exercise, which is a naval exercise, as it is mentioned over here, maritime. और सबसे important बात इससे related ये है, ये exercise Andaman और बे ऑफ बंगाल में होने वाली है. बहुत बार एग्जाम्स में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि जो SIMBEX, जो भी बायलेटरल एक्सरसाइज है कंट्रीज़ के बीच में, वो किस जगह पर हो रही है. वन मोर इम्पॉर्टेंट फैक्ट रिगार्डिंग दिस एक्सरसाइज, ये इस बार 25th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनी. सो दिस इज़ दी 25th एनिवर्सरी ऑफ SIMBEX, विच इज़ दी बायलेटरल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड सिंगापुर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ लॉन्च द GPS मैपिंग ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स एंड पर्सनल लोकेशन सिस्टम. सो एक GPS मैपिंग स्टार्ट किया गया है गवर्नमेंट स्कूल्स और पर्सनल लोकेशन सिस्टम. बेसिकली ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव है हमारी कंट्री में. तो ये कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है? सो ये रिसेंटली लॉन्च किया है नेफेयू रायो ने. अब ये कौन से स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सो ही इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ नागालैंड. सो नागालैंड हैज़ कम अप विद द स्कीम ऑफ GPS मैपिंग ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स एंड पर्सनल लोकेशन सिस्टम. और ये अभी कोहिमा में स्टार्ट हुआ है. कोहिमा क्या है? कैपिटल है नागालैंड की. सो इट्स द कैपिटल ऑफ नागालैंड. अब इस इनिशिएटिव में और इस सिस्टम में क्या होगा, दिस वुड हेल्प इन कंप्यूटराइजेशन और डिजिटाइजेशन ऑफ रिकॉर्ड्स. सो सारे रिकॉर्ड्स जो होंगे वो हमारे कंप्यूटर में रिकॉर्ड स्टोर हो जाएंगे और बेसिकली पेपर वर्क को रिड्यूस करने के लिए ये स्टार्ट किया गया है. सो वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट इन दिस क्वेश्चन, दैट नागालैंड हैज़ लॉन्च दिस GPS मैपिंग ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स एंड पर्सनल लोकेशन सिस्टम. Where is the 25th High Court of the country start functioning from 1st January 2019? Now two important things regarding this question. So पहला ये कि 24 High Courts हैं हमारी कंट्री में इस टाइम पे और 25th High Court जो है वो आने वाला है. So 25th High Court कौन से स्टेट में आने वाला है? So ये आंध्र प्रदेश में लॉन्च होने वाला है. करेंटली आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का एक ही हाई कोर्ट है, बट क्योंकि अब ये दोनों दो स्टेट्स में डिवाइड हो गए हैं, सो आंध्र प्रदेश विल गेट इट्स 25th हाई कोर्ट एंड विच विल स्टार्ट इट्स फंक्शनिंग फ्रॉम 1st January 2019. सो नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स और कौन से स्टेट को 25th हाई कोर्ट मिला है, ये इंपॉर्टेंट है. इलेक्शन कमीशन हैज़ सेटअप सांगवारी पोलिंग बूथ्स इन वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ. सो बहुत सारे पोलिंग बूथ्स जिनका नाम है सांगवारी वो इस्टेब्लिश करे गए हैं एंड इट हैज़ दीज सांगवारी पोलिंग बूथ्स हैव बीन इस्टेब्लिश्ड इन छत्तीसगढ़. ये क्यों लाया गया है? पहली बात तो सांगवारी का मतलब क्या होता है? सांगवारी का मतलब होता है फ्रेंड. सो दिस इनिशिएटिव विल एनकरेज द वुमेन वोटर्स टू वोट इन द असेंबली इलेक्शंस. नेक्स्ट क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू अ रीसेंट रिसर्च मोबिलिटी एंड कंजेशन इन अर्बन इंडिया. ये रिपोर्ट किसने दी है? नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च. इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कौन सा ऐसा स्टेट है जो टॉप करता है इंडेक्स फॉर द मोस्ट कंजस्टेड सिटी? कंजस्टेड सिटी के टर्म्स में अगर हम देखा जाए तो बैंगलोर इज़ द स्टेट विच हैज़ टॉप दिस इंडेक्स और सेकंड पोजीशन पर है मुंबई. सो बैंगलोर फर्स्ट पर है, मुंबई सेकंड कंजस्टेड सिटी है, दिल्ली थर्ड, फोर्थ पर है चेन्नई और फिफ्थ पर है कोलकाता. ये फाइव सिटीज़ जो हैं ये टॉप फाइव कंजेस्टेड सिटीज़ में काउंट हो सकती हैं और इस इंडेक्स को टॉप किया है बैंगलोर ने. नाउ दिस रिपोर्ट हैज़ गिवन अनदर इंडेक्स ऑफ 20 स्लोएस्ट सिटीज़. सो अगर हम 20 स्लोएस्ट सिटीज़ में काउंट करेंगे या हम देखेंगे तो कोलकाता जो है वो फर्स्ट पोजिशन पर है इन टर्म्स ऑफ स्लोनेस एंड बैंगलोर इज़ एट दी सेकेंड पोजिशन. सो इन टर्म्स ऑफ कंजेस्टेड सिटी बैंगलोर ने टॉप किया है और इन टर्म्स ऑफ स्लोएस्ट सिटी कोलकाता ने टॉप किया है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, वेयर विल बी दी 2-डे ग्लोबल कूलिंग इनोवेशन समिट बी हेल्ड. सो अभी एक ग्लोबल कूलिंग इनोवेशन समिट जो फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड सोल्यूशन है, बेसिकली इसमें डिसाइड किया गया है कि जो क्लाइमेट में प्रॉब्लम हो रही है, सो वॉट एवर द इशूज़ आर दे आर रिलेटेड टू क्लाइमेट,
they would be addressed through this Global Cooling Innovation Summit. And this innovation summit has been derived, or this idea has come up from the growing demand for the room air conditioners. और ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है और ये कहाँ हो रहा है टू डे ग्लोबल कूलिंग इनोवेशन समिट. सो इट वुड बी हेल्ड इन न्यू दिल्ली और ये इनॉग्रेट किया था हमारे यूनियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हर्षवर्धन ने. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्थ ईस्ट फर्स्ट एवर वाटर हैंडलूम हट हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन. सो एक वाटर हैंडलूम हट इनॉग्रेट हुई है जो कि नॉर्थ ईस्ट की फर्स्ट एवर हैंडलूम हट है. वो कहाँ पे इनॉग्रेट हुई है, लाइक इन विच स्टेट इट हैज़ बीन इनॉग्रेटेड. सो पहली बात तो ये लोकटक लेक में इस्टेब्लिश हुई है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ये कहाँ पे लोकेटेड है. सो लोकटक लेक इज़ लोकेटेड इन इम्फाल मणिपुर. तो लोकटक लेक क्योंकि मणिपुर में इस्टेब्लिश है तो ये वाटर हैंडलूम हट भी मणिपुर में इस्टेब्लिश किया गया है. और इसका पर्पस क्या है, जिससे वी कुड इम्प्रूव दी सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ दी वीवर्स विच आर रिसाइडिंग इन दी लोकटक लेक और अराउंड दी लोकटक लेक. सो नॉर्थ ईस्ट की फर्स्ट एवर वाटर हैंडलूम हट कहाँ पे इनॉग्रेट हुई है, अभी अभी मणिपुर में. नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी अभी मैंने डिस्कस किया था वेयर इज़ द लोकटक लेक लोकेटेड. सो लोकटक लेक इज़ लोकेटेड इन मणिपुर और लोकटक लेक जो है वो हमारी इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है. एंड दिस लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन नॉर्थ ईस्ट. सो ये इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो लोकटक लेक इज़ लोकेटेड इन मणिपुर एंड टू बी वेरी प्रिसाइज इम्फाल, विच इज़ द कैपिटल ऑफ मणिपुर. अभी अभी सेबी के एग्जाम्स में बेसिक क्वेश्चन ही आ गया था जिसके अंदर मेघालय की कैपिटल पूछ ली गई थी, इसीलिए द कैपिटल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र शक्ति इज़ द नेवी बायलेटरल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड. अभी फर्स्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था जिसके अंदर हमने सिम्बिक्स के बारे में डिस्कस किया था जो कि सिंगापुर एंड इंडिया के बीच की एक्सरसाइज है. नाउ दिस क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट दी समुद्र शक्ति. तो समुद्र शक्ति कौन से दो कंट्रीज़ के बीच में ऑर्गेनाइज होती है, समुद्र शक्ति होती है इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में. और बाकी कंट्रीज़ के साथ कौन सी बायलेटरल एक्सरसाइज कंडक्ट होती है. सो यूके के साथ वी कंडक्ट दी कोनकनन एक्सरसाइज, इंडिया एंड यूके परफॉर्म दी और दे पार्टिसिपेट इन दी कोनकनन एक्सरसाइज. नेक्स्ट विथ फ्रांस इट्स वरुणा एंड रशिया के साथ इंद्र होती है और श्रीलंका के साथ स्लिनेक्स. सो सिम्बेक्स इज़ विथ इंडिया एंड सिंगापुर और यूके के साथ कोनकन, श्रीलंका के साथ स्लिनेक्स, रशिया के साथ इंद्रा एंड विथ फ्रांस इट्स वरुण. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री हैज लॉन्च युवा सहाकर कोऑपरेटिव एंटरप्राइज सपोर्ट एंड इनोवेशन स्कीम. रिसेंटली देर वर मेनी क्वेश्चन इन द एग्जाम वेन दे आस्ड अबाउट द मिनिस्ट्री विच हैज़ लॉन्च द पर्टिकुलर स्कीम. बहुत बार ऐसा होता है कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है स्कीम का, बट इस बार मिनिस्ट्री भी पूछी गई थी स्कीम की. सो कौन सी मिनिस्ट्री ने अभी अभी ये लॉन्च किया है, युवा सहकार कोऑपरेटिव एंटरप्राइज सपोर्ट स्कीम. सो इट हैज़ बीन लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है, राधा मोहन सिंह. सो राधा मोहन सिंह हैज लॉन्च द स्कीम ऑफ युवा सहकार कोऑपरेटिव एंटरप्राइज सपोर्ट एंड इनोवेशन स्कीम. अब इसका पर्पस क्या है ना, व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड लॉन्चिंग द स्कीम. सो द स्कीम वुड प्रोवाइड दी चीपर लोन्स एंड सपोर्ट टू दी कोऑपरेटिव और दी स्टार्टअप्स इन दी कोऑपरेटिव सेक्टर. सो चीपर लोन्स और सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए इट हैज़ बीन लॉन्च बाय दी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द दिल्ली पुलिस कमिश्नर लॉन्च एन ई लर्निंग पोर्टल टू इम्पार्ट इन सर्विस ट्रेनिंग टू इट्स पर्सोनल. सो अभी अभी दिल्ली पुलिस कमिश्नर, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे दिल्ली पुलिस कमिश्नर कौन है, वो है अमूल्य पटनायक. सो अमूल्य पटनायक हैज़ लॉन्च दिस ई लर्निंग पोर्टल. ई लर्निंग पोर्टल का मतलब क्या हो गया, एक ऑनलाइन पोर्टल जो इम्पार्ट करेगा सर्विस ट्रेनिंग टू इट्स पर्सोनल. वट इज़ द नेम ऑफ दिस पोर्टल, सो द नेम ऑफ दिस पोर्टल इज निपुण. सो इस निपुण पोर्टल पे बहुत सारे कोर्सेज होंगे, स्पेशलाइज कोर्सेज विच वुड प्रोवाइड ऑनलाइन ट्रेनिंग एंड इन्फॉर्मेशन टू दी पर्सोनल. विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूटेड द हिमालयन स्टेट रीजनल काउंसिल टू इंश्योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ द हिमालयन रीजन. इफ यू रिमेंबर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द नीति आयोग रिपोर्ट इन विच दे हैव प्रोवाइडेड सिक्स पैरामीटर्स और सिक्स एरियाज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द हिमालयन रीजन. सो दिस हिमालयन स्टेट रीजनल काउंसिल हैज अगेन बीन फॉर्म बाय नीति आयोग और इसके चेयरमैन कौन होंगे, इसके चेयरमैन होंगे डॉक्टर वी के सारस्वत. सो डॉक्टर वी के सारस्वत वुड बी द चेयरमैन ऑफ दिस हिमालयन स्टेट रीजनल काउंसिल और ये क्यों बनाया गया, सो दैट दे कुड डेवलप द हिमालयन रीजन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नोंगक्रीम डांस फेस्टिवल इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल और ये हार्वेस्ट फेस्टिवल मनाया जाता है मेघालय में. सो दिस नोंगक्रीम डांस फेस्टिवल इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ मेघालय.
Next is, which state has launched the Gau Samriddhi Plus scheme, or we could say the Cow Samriddhi Plus scheme. So, Cow Samriddhi Plus scheme और Gau Samriddhi Plus scheme जो है वो केरला ने लॉन्च करी है, और केरला के चीफ मिनिस्टर कौन है? पिनारई विजयन. सो पिनारई विजयन ने ये स्कीम लॉन्च करी है, एंड ये स्कीम जो है ये इंश्योरेंस कवरेज प्रोवाइड करेगी जो कि डेयरी फार्मर्स है. सो दिस स्कीम इज एम्ड एट प्रोवाइडिंग द इंश्योरेंस कवरेज टू द डेयरी फार्मर्स. दिस स्कीम हैज़ बीन लॉन्च बाय केरला. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नेक्स्ट इज द 33rd एडिशन ऑफ द एशियन समिट वुड बी हेल्ड इन. सो एशियन जो है वो है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन. सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू नोट हियर इज ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ का एसोसिएशन है. जो साउथ एशियन कंट्रीज़ का एसोसिएशन है उसे सार्क बोलते हैं. सो एशियन इज द एसोसिएशन ऑफ द साउथ ईस्ट एशियन. और ये 33rd एडिशन समिट कहाँ पर हो रहा है? दिस वुड बी हेल्ड इन सिंगापुर. अब अगर एशियन के मेंबर कंट्रीज़ के बारे में बात करेंगे तो एशियन के अंदर 10 मेंबर कंट्रीज़ हैं, और यह मैं पहले भी बहुत बार डिस्कस कर सकी हूँ. ब्रूनिया, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम. सो दीज आर दी 10 मेंबर कंट्रीज ऑफ एशियन. और इससे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, एशियन का जो हेडक्वार्टर्स है वो कहाँ पर है? सो दी हेडक्वार्टर्स ऑफ एशियन आर इन इंडोनेशिया, जकार्ता. सो द 33rd एडिशन ऑफ एशियन समिट विल बी हेल्ड इन सिंगापुर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर इज इंडियाज फर्स्ट स्पेशलाइज हॉस्पिटल फॉर एलिफेंट्स इस्टेब्लिश्ड. कि पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडिया में एक स्पेशलाइज हॉस्पिटल बना है स्पेशली फॉर एलिफेंट्स, और ये इस्टेब्लिश किया गया है उत्तर प्रदेश, वो भी चुरमुरा विलेज में, जो कि है मथुरा में. सो मथुरा के अंदर अगर सिटी पूछ ली जाए तो मथुरा, और अगर स्टेट पूछ लिया जाए तो उत्तर प्रदेश इन दी चुरमुरा विलेज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हैशटैग पावर ऑफ 18 कैंपिंग विच इज एम्ड एट एनकरेजिंग यूथ टू कॉन्ट्रीब्यूट इन पब्लिक डिबेट्स एंड पार्टिसिपेट इन सिविक एंगेजमेंट हैज बीन लॉन्च्ड बाय. अभी अभी किसने ये एक कैंपेन लॉन्च किया है जिसका नाम है पावर ऑफ 18 कैंपिंग, और ये यूथ को इनकरेज करने के लिए सो दैट दे कुड पार्टिसिपेट इन द पब्लिक डिबेट्स और सिविक एंगेजमेंट में. इसका पर्पस है बेसिकली 2019 जनरल इलेक्शन से रिलेटेड. और ये किसने लॉन्च किया है? सो इट हैज़ बीन लॉन्च बाय ट्विटर इंडिया, सो दैट जो यंग इंडियंस है, जो यूथ है हमारी कंट्री का, दे कुड फाइंड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द इलेक्शंस एंड दे कुड सपोर्ट द सोशल कॉसेस विच दे आर पैशनेट अबाउट. सो पावर ऑफ 18 कैंपेन हैज़ बीन लॉन्च बाय ट्विटर. और एक स्टैटिक क्वेश्चन इसमें से जो बनता है वो है ये कि ट्विटर का CEO कौन है? हु इज़ द CEO ऑफ ट्विटर? सो जैक डॉर्से इज द CEO ऑफ ट्विटर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसर्चर्स फ्रॉम डैश हैव डिवाइस्ड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम. दिस इज डिसीजन सपोर्ट सिस्टम DSS टू हेल्प मैक्सिमाइज द LPG कनेक्शंस इन BPL हाउसहोल्ड्स अंडर द प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का बेसिक एम ये था कि LPG कनेक्शंस प्रोवाइड किए जाएं सभी हाउसहोल्ड्स में. सो एक डिसीजन सपोर्ट सिस्टम बनाया गया है जो कि रिसर्चर्स ने बनाया है, एंड दैट इज़ फ्रॉम दे आर फ्रॉम द IIT खड़गपुर. तो IIT खड़गपुर के रिसर्चर्स ने एक डिसीजन सपोर्ट सिस्टम बनाया सो दैट दे कुड हेल्प द मैक्सिमाइजेशन ऑफ द LPG कनेक्शंस इन द बिलो पॉवर्टी लाइन. BPL स्टैंड्स फॉर बिलो पॉवर्टी लाइन हाउसहोल्ड्स. किसने बनाया है? IIT खड़गपुर ने. नेक्स्ट इज, डैश बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इम्पोज अ बैन ऑन सनस्क्रीन टॉक्सिक टू कोरल रीफ्स दैट विल कम इन इफेक्ट फ्रॉम 2020. किस कंट्री ने बैन लगा दिया है उन सनस्क्रीन्स पे जो कि कोरल रीफ के लिए टॉक्सिक है? सो पलाऊ इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इम्पोज दिस बैन. और क्या होता है, लाइक व्हाट इज़ द रिलेशन, और ये क्यों किया गया है? सो द सेलिंग ऑफ दीज सनस्क्रीन, सो दीज केमिकल्स विच आर देयर इन सनस्क्रीन्स कैन मेक दीज कोरल रीफ लेस रेजिस्टेंट टू द कोरल ब्लीचिंग. वेन देर इज इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ दिस ओशन देन इट्स लीड्स टू मोर ऑफ द कोरल ब्लीचिंग एंड देयरफॉर इट इज़ हार्मफुल फॉर द कोरल. सो कीपिंग इन माइंड द टेम्परेचर राइज इन द क्लाइमेट ऑल अराउंड द वर्ल्ड दिस कोरल ब्लीचिंग और दिस बैन हैज़ बीन इम्पोज ऑन सनस्क्रीन टॉक्सिक. और इसके अलावा हवाई ने भी ये पास कर दिया ऑर्डर टू इम्पोज द बैन ऑन द सनस्क्रीन जो कि इफेक्ट में आएगा 2021 से. सो हवाई इज ऑल्सो कम अप विद दिस सेम कॉन्सेप्ट एंड दे वुड पुट बैन ऑन द सनस्क्रीन विच आर टॉक्सिक टू द कोरल रीफ्स.
Very important question. Next is, according to a report by Which Travel, Dash is the safest country to visit. So, एक report दी थी Which Travel ने, जिसके according safest country. First of all, इन्होंने सिर्फ 20 most popular destinations को cover किया है, and among these, Iceland is the safest country to visit. And if we talk about the lowest or the unsafe country, then South Africa came last due to the high risk of crime, health or terrorism. और South Africa के पहले आती है टर्की. सो दी सेफेस्ट कंट्री इज आइसलैंड एंड विच इज़ फॉलोड बाय यूएई. सो फर्स्ट पोजीशन पे आइसलैंड, सेकंड यूएई, थर्ड सिंगापुर. नेक्स्ट इज द टू डे मीटिंग फॉर द ट्रेड मिनिस्टर्स ऑफ रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप बिगेन इन. द रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप वॉज हेल्ड इन सिंगापुर. This is also very important. Dash has built an artificial sun that reaches 100 million degree Celsius. So 100 million degree Celsius, जो कि original sun के कोर जो कि 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है उससे 6 टाइम्स ज़्यादा है. सो दिस आर्टिफिशियल सन हैज़ बीन डेवलप्ड बाय चाइना एंड दिस वाज फॉर्मली नोन एज ईस्ट. नाउ व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईस्ट? सो ईस्ट इज द एक्सपेरिमेंटल एडवांस्ड सुपर कंडक्टिंग टोकामैक. सो दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ ईस्ट. सो आर्टिफिशियल सन वॉल formally known as EAST, that is the experimental advanced superconducting tokamak, and this artificial sun has been built by China ne banaya hai artificial sun. Next is, Dash is the world's third biggest user of natural gas. Now ek static question, and what is the news of this question? Yaar ye kaun si news se aaya hai? So recently a world energy report 2018 aayi thi jo ki international energy agency ne nikali thi, and is report ke according ye research aayi hai that नेचुरल गैस जो है दैट वुड बिकम द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी आफ्टर ऑयल बाय 2030. सो बाय द ईयर 2030 ऑयल जो होगा वो फर्स्ट सोर्स ऑफ एनर्जी होगा और सेकेंड हो जाएगा नेचुरल गैस. और करेंटली चाइना इज द वर्ल्ड थर्ड बिगेस्ट यूजर ऑफ नेचुरल गैस आफ्टर US एंड रशिया. सो थर्ड बिगेस्ट कौन हो गया? चाइना. और बाय 2030 नेचुरल गैस जो हो जाएगा वो सेकेंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी हो जाएगा आफ्टर ऑयल. नेक्स्ट क्वेश्चन एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्रेडिट कार्ड लॉन्च हुआ है एंड इट इज़ द इंडियाज फर्स्ट इंटरैक्टिव कार्ड विद बटन्स हैज बीन लॉन्च बाय. सो रिसेंटली एक कार्ड, नेक्स्ट क्रेडिट कार्ड लॉन्च हुए हैं जिसके अंदर बटन्स लगे हुए हैं और इन बटन से यू कैन यूज़ दी चॉइस ऑफ पेमेंट. सो सपोज़ आपको तभी तभी पूरा क्रेडिट पे लेना है या फिर EMI के लिए लेना है या फिर अपने टेन्योर ऑप्शंस बनाने हैं 6 महीने में, 12, 18. सो दिस इज़ दी क्राइटेरिया विच यू कैन चूज ऑन दिस इंटरैक्टिव कार्ड एंड इट हैज़ बीन लॉन्च बाय इंडसलैंड बैंक. एंड वॉट इज़ द नेम ऑफ दिस कार्ड? सो इट्स नेक्स्ट क्रेडिट कार्ड. Last question for the part 1 of November 3rd, week 3rd is that who has been appointed as the first ever youth ambassador of UNICEF, that is United Nations Children's Fund India. Bahut important question hai. Hima Das has been appointed as the first ever youth ambassador of UNICEF and she is the gold medalist sprinter. So this is all for the part 1 for the November week 3rd. If you like the video, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड जस्ट सब्सक्राइब बटन के नेक्स्ट में एक बेल आइकन बना हुआ है. इफ़ यू वॉन्ट टू रिसीव दी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग द वीडियो एज सून एज द वीडियो इज बींग पोस्टेड ऑन यूट्यूब, सो प्लीज़ प्रेस दिस बेल आइकन एज वेल. फील फ्री टू कॉमेंट योर फीडबैक एंड इन फैक्ट यू कैन रीड द करंट अफेयर्स बाय डाउनलोडिंग द इन्फिनिटी ऐप और या फिर आप वेबसाइट पर जाके जो कि www.anujjindal.in है वहाँ जाके आप डायरेक्टली करंट अफेयर्स पढ़ भी सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो.